करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 14 अप्रैल तक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथ ही इस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पी वीकली पी और मंथली पी चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए क्योंकि जो भी हमारा पी मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रटेजी की भी प्रोवाइड कराते हैं ये सभी करंट अफेयर मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा तो इसके लिए यदि आप हमारा पी कोर्स बाय करना चाहते हैं तो या तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप से डायरेक्ट बाय कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करके भी आप बाय कर सकते हैं कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे पी कोर्स से संबंधित तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की सबसे पहले तेरह अप्रैल को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं मनोज सोनी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ए स्कीम की शुरुआत की है जिसका नाम है अवसर यानी कि एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिशंस ऑफ द रीजन फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग विमेन टूर्नामेंट यह झारखंड में होगा आपको जानना चाहिए उत्तराखंड ने 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल चलो अभियान लॉन्च किया है क्यूकै फ्लावर गार्डन जो कि नीदरलैंड्स में है तो यहाँ पर जो भारत के प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद ये गए हुए थे ये विजिट पर थे तो इन्होंने यहाँ एक येलो ट्यूलिप की जो प्रजाति है जो ब्रीड है उसका नामकरण किया है और नाम रखा है मैत्री आपको जानना चाहिए कि नागालैंड में अर्बन डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मिलियन यूएस डॉलर का लोन एग्रीमेंट साइन किया है पिनाका का रॉकेट सिस्टम का जो एडवांस वर्जन है उसका हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है आपको जानना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेब्लिशमेंट पुणे के द्वारा जो कि एक डीआरडीओ की लैब है यूनियन मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी इन्होंने गुवाहाटी में जोनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड स्टेक होल्डर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन इस सम्मिट को जो है अध्यक्षता की है आपको जानना चाहिए कि आई एफ एस सी एंड जी वी एफ एल लिमिटेड जो कि अहमदाबाद बेस्ड है इन दोनों ने ही एक एम ओ यू साइन किया है आई एफ एस का जो ऑफिस है गिफ्ट सिटी में यहाँ पर देविका रंगचारी इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है क्वीन ऑफ फायर इंडिया अहमदाबाद गुजरात में अगले साल एशियन जूनियर अंडर ट्वेंटी मैन एंड वीमेन एंड कैडेट अंडर सेवनटीन बॉयज एंड गर्ल्स फेंसिंग चैम्पियनशिप इसको होस्ट करेगा आई सी आई सी आई सिक्योरिटीज़ ने इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने के लिए जो इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है कवर स्टैक इसके साथ पार्टनरशिप की है आपको जानना चाहिए कि मेडागास्कर ये तीसवा देश बन गया है जिसने लिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सी डी आर आई को ज्वाइन किया है चलिए अब देखते हैं चौदह अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हु वॉन ऑस्ट्रेलियन एफ वन ग्रांप्री ट्वेंटी ट्वेंटी टू ऑस्ट्रेलियन एफ वन ग्रांप्री ट्वेंटी ट्वेंटी टू किसने जीता है ऑप्शन आपके सामने हैं और सही आंसर यहां पर ऑप्शन बी रहेगा चार्ल्स लेक लर्क जाने इनके बारे में देखिए फरारी के लिए ड्राइव करते हैं फोन रेसिंग में और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री ट्वेंटी ट्वेंटी टू जीत लिया है अच्छा इस साल की अगर हम ग्रां प्री की बात करें कौन उसके विजेता रहे तो अब तक दो ही हुए हैं दो ग्रां प्री अब तक हुए हैं एक तो है सऊदी अरेबियन ग्रां प्री ट्वेंटी ट्वेंटी टू इसको जीता है मैक्स व स्टेफन ने रेड बुल के लिए करते हैं ये और दूसरा है बहरीन ग्रांप्री ट्वेंटी ट्वेंटी टू से इसके विजेता यही रहे जो जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री जीता चार्ल्स लेकलर मेड इन इंडिया डोर्नियर 228 टू एट एयरक्राफ्ट अंडर टूक इट्स फर्स्ट कमर्शियल एविएशन फ्लाइट फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू पासीघाट ऑफ स्टेट मेड इन इंडिया आसाम 228 विमान ने असम के डिब्रूगढ़ से किस राज्य के पासीघाट तक अपनी पहली वाणिज्यिक विमानन उड़ान भरी है ऑप्शन आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा अरुणाचल प्रदेश जानेंगे इसके बारे में तो देखिए मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य एम सिंधिया और जो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू इन्होंने फर्स्ट फ्लाइट ऑफ मेड इन इंडिया देखिए भारत में बने हुए एच एल डोनियर डी ओ टू टू एट जो फर्स्ट फ्लाइट है इसको हरी झंडी दिखाई है तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और कहाँ से कहाँ तक ये इसने अपनी फ्लाइट ली तो फर्स्ट ऑपरेशनल फ्लाइट जो है इसने आसाम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट तक की है Which बैंक हैज inked वन फिफ्टी मिलियन US डॉलर partial गारंटी पैक्ट विद एशियन डेवलपमेंट बैंक टू सपोर्ट सप्लाई chain फाइनेंसिंग किस बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण का समर्थन करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ वन फिफ्टी मिलियन अमेरिकी डॉलर का आंशिक गारंटी समझौता किया है ऑप्शन आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा एक्सिस बैंक तो देखिए सप्लाई चैन फाइनेंसिंग के लिए एक्सिस बैंक ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक पार्शियल गारंटी प्रोग्राम को साइन किया है और यह है आपका 150 मिलियन यूएस डॉलर का यानी कि ग्यारह करोड़ रुपए का ये एक एग्रीमेंट है इसमें क्या होगा जो एक्सिस बैंक है देखिए जो पैंडेमिक के कारण जो इंपैक्टेड सेक्टर हैं खास करके एम एस तो उनको लोन प्रोवाइड कराएगा और उस लोन की जो गारंटी लेगा वो लेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक बाकी आपको जानना चाहिए एशियन डेवलपमेंट माफ कीजिए एक्सिस बैंक के बारे में इसके सी अमिताभ चौधरी है हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी हाल ही में हमने काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एक्सिस बैंक से संबंधित देखे थे जल्दी से उनको रिवाइज कर लेते हैं भारतीय एयरटेल ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ टाई अप किया है एक्सिस बैंक को आई एफ आर एशिया एशियन बैंक ऑफ द ईयर एंड इंडिया बॉन्ड हाउस अवार्ड से सम्मानित किया गया है एक्सिस बैंक ने जो एजुकेटेड वुमेन है उनके लिए हाउस वर्क इज वर्क इस तरह का इनिशिएटिव लॉन्च किया है साथ ही आपको जानना चाहिए कि जो हेल्थ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए एक्सिस बैंक ने और आईपी ग्लोबल कम इन दोनों ने ही 150 मिलियन मिलियन इन्वेस्टर का लोन कमिट किया है विच स्टेट हैज हैजॉप्ड द नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड वन नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड वन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है ऑप्शन तो जो रिपोर्ट है उसको रिलीज कर दिया है और अगर हम लार्जर स्टेट्स कैटेगरी की बात करें जो बड़े राज्य हैं उसमें गुजरात पहली पोजीशन पर है गुजरात का स्कोर है 50.1 केरल दूसरे पोजीशन पर है पंजाब तीसरे नंबर पर है और लोवेस्ट स्कोर जिस राज्य का है इस लार्जर स्टेट्स कैटेगरी में वो है छत्तीसगढ़ थर्टी वन पॉइंट सेवन इसका स्कोर है बात करें स्मॉल इस स्टेट्स की तो गोवा फिफ्टी वन पॉइंट फोर पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन बना पर बना है दूसरे नंबर पर त्रिपुरा है तीसरे पर मणिपुर है और अगर हम स्मॉल इस स्टेट्स की बात करें तो इसमें लोवेस्ट स्कोर अरुणाचल प्रदेश का है ट्वेंटी अब बात करें अगर यूनियन टेरिटरीज़ की तो चंडीगढ़ 55.7 स्कोर के साथ टॉप पोजीशन पर है उसके बाद फिर डेली है फिर दमन एंड थी एंड दादा एंड नागपुर हवेली है और लक्षद्वीप यहाँ पर सबसे लोवेस्ट पोजीशन पर है 26.9 पॉइंट के साथ आपको जानना चाहिए जो ये इंडेक्स जारी किया गया है राउंड वन तो ये छः पैरामीटर्स पर आधारित है कौन कौन से हैं डिस्कम्स परफॉर्मेंस एक्सेस अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स एनर्जी एफिशिएंसी इन्वामेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड न्यू इनिशिएटिव तो इसमें यह पूछा जा सकता है कि कितने पैरामीटर्स पर ये आधारित रहा कि हाल ही में नीति आयोग का जो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स है ये गुजरात द्वारा टॉप किया गया है बताइए कि ये जो इंडेक्स है ये कितने पैरामीटर्स पर आधारित रहा तो सही आंसर होगा उस उस दशा में आंसर सिक्स तो यहाँ पर आप वही देख सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताया एक तरह से चार्ट के रूप में अब इस तरह के चार्ट जो है ना मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूँ तो आप टेलीग्राम पर जरूर हमें ज्वाइन करें करंट अफेयर्स फंडा नाम से सर्च कीजिए आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा तो क्या होता है ना रिविज़न करने के लिए जो है आसानी से रिवाइज़ हो जाते हैं इस तरह के चार्ट जो होते हैं तो देखिए लार्जेस्ट स्टेट मैंने आपको बताया गुजरात केरल पंजाब ये तीन है टॉप पर स्मॉल स्टेट्स में भी बताया यूनियन टेरेटरीज में भी बताया ये बॉटम थ्री परफॉर्मर्स हैं अच्छा इसमें आपको ये भी जानना चाहिए कि तीन कैटेगरी और डाली गई हैं फ्रंट रनर्स यानी ये टॉप वन थर्ड अचीवर्स जो मिडिल वन थर्ड हैं और एस्पिरेंट्स जो लोवेस्ट वन थर्ड हैं तो जिनका ये कंपोजिट एस ई सी आई स्कोर छियालीस के बराबर है या फिर इससे ज़्यादा है वो फ्रंट रनर्स हैं जिनका एस ई सी आई स्कोर छत्तीस से छियालीस के बीच में है ये अचीवर्स हैं और जिनका स्कोर छत्तीस के बराबर या इससे कम है वो आपके एस्पिरेंट्स कैटेगरी में रखे गए हैं वो स्टेट्स बाकी आप यहाँ पर जा सकते देख सकते हैं जो छः में पैरामीटर हैं डिस्कम्स परफॉर्मेंस से और न्यू इनिशिएटिव तक तो इसमें किस किस राज्य ने हाईएस्ट स्कोर प्राप्त किया है और किसने लोवेस्ट ए भी आप देख सकते हैं जैसे डिस्कम्स परफॉर्मेंस है तो यहाँ पर पंजाब ने जो है हाइएस्ट स्कोर प्राप्त किया है और लोवेस्ट इस कैटे इस पैरामीटर में अरुणाचल प्रदेश का रहा है इसी तरह से बाकी देख सकते हैं तो ये चार्ट मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा हु इज द आईसीसी मैंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू मार्च दो हजार बाईस के लिए आई सी सी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा बाबर आजम तो बाबर आजम का नाम आप सभी ने सुना होगा पाकिस्तान के कैप्टन है और आपको जानना चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया की बैट्समैन है रशिल हाइनिस दोनों ही जो है आईसीसी के मैंस एंड वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ मैंने हैं मार्च 2020 के लिए बाबर आजम आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ और ऑस्ट्रेलिया की जो रशेल है ये वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ व्हिच बैंक हैज लॉन्च्ड विकास श्री संपत 1111 वन स्कीम किस बैंक ने विकास श्री संपत 1111 योजना शुरू की है ऑप्शंस आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक तो देखिए जो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के चेयरमैन है पी गोपी पी कृष्णा इन्होंने कहा है कि हमने एक नई डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है विकास श्री संपत वन 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 और ये इसलिए इसका नाम है जो ये डबल वन डबल वन लिखा है इसका मतलब है कि जो स्कीम है इसमें जो लोन दिए जाने का जो पीरियड है वो डबल वन डबल वन डेज़ का है और जो जनरल पब्लिक है उसके लिए फाइव परसेंट का इंटरेस्ट रेट है और जो सीनियर सिटीज़न है उसके लिए सिक्स पॉइंट टू जीरो परसेंट का इंटरेस्ट रेट है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनोग्रेटेड द सीमा दर्शन टूरिज्म प्रोजेक्ट इन विच स्टेट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सीमा दर्शन पर्यटन परियोजना का उद्घाटन किया है ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा गुजरात तो देखिए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इन्होंने जो गुजरात का बनसकंदा डिस्ट्रिक्ट है बना बना बनस्कंधा जो डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान जो बॉर्डर है यहीं पर एक एरिया है जिसका नाम है नाला बेट तो यहाँ पर सीमा दर्शन टूरिज़्म प्रोजेक्ट को इनोक्रेट किया है जैसे आपने देखा होगा वागाटारी बॉर्डर जो है पंजाब में तो यहाँ पर बेटिंग रिट्रीट सरमनी होती है उधर से पाकिस्तान के जवान जो है करते हैं प्रोग्राम आयोजित और इधर से भारत के जो अपने जवान हैं बी के वो जो है प्रोग्राम जो है आयोजित करते हैं तो एक से डेढ़ घंटे तक वो चलता है तो इसी तरह के प्रोग्राम यहाँ पर जो है लॉन्च किए जाएंगे ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके तो कई तरह के जो जैसे ये हथियार हैं टैंक्स हैं इनकी प्रदर्शनी की जाएगी और ऊँट के जो ऊँट ऊँट वगैरह के जो जो ऊँट अपने आप से जो जैसे ऊँट वगैरह डांस करते हैं ना आपने देखे होंगे वो प्रदर्शित किए जाएंगे तो कई तरह का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा ताकि बॉर्डर जो है बॉर्डर पर टूरिज्म बढ़ सके जैसे यहाँ पर बॉर्डर पर जो चौकी होती है वो किस तरह से ऑपरेट करती है पूरे दिन में क्या क्या काम करती है वो दिखाया जाएगा तो इस तरह से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा यहाँ पर गुजरात में यह आप देख भी सकते हैं द इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशन द लेटेस्ट एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ए एल एच ध्रुव मार्क थ्री स्क्वाड्रन इन भारतीय तटरक्षक बल ने किस जगह में नवीनतम उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर ए एल एच ध्रुव मार्क थ्री स्क्वाड्रन को चालू किया है कमीशन किया है ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा भुवनेश्वर तो देखिए मेरी टाइम सिक्योरिटी को बढ़ावा मिला है यहाँ पर काफी क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ए एल एच ध्रुव मार्क थ्री स्क्वाड्रन इसको कमीशन किया है ए एल एच का मतलब क्या है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर आपको जानना चाहिए जो ये एल एच ध्रुव है ये ट्विन इंजन मल्टी रोल मल्टी मिशन न्यू जेनरेशन हेलीकॉप्टर है और इसको जो मैन्युफैक्चर किया गया है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एच एल द्वारा किया गया है वर्ल्ड पाकिस्तान डे 2022 ट्वेंटी टू इज ऑब्सर्व ऑन विच डे तो विश्व पाकिस्तान पाकिस दिवस दो हज़ार इस दिन मनाया जाता है ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा अप्रैल इलेवन तो 11 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड पार्किंसन्स डे मनाया जाता है और जो पार्किंसन्स डिजीज़ है उससे उससे जुड़ी जागरूकता को फैलाने के लिए तो ये जो है ना जो पार्किंसन डिजीज़ है ये एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है और इसके फीचर्स के बारे में सबसे पहले डॉक्टर जेम्स पार्किशन ने बताया था उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी होती है ग्यारह अप्रैल को और उसी उपलक्ष्य में ये वर्ल्ड पार्किस डे मनाया जाता है आपको जानना चाहिए इस बार 2022 में जिसका थीम है ये है इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप वेयर इंडिया वोन मेड इन विमेन्स डबल्स एंड मिक्स डबल्स टाइटल्ड हेल्ड एट विच प्लेस विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप जहां भारत ने पहली बार महिला युगल और मिश्रित युगल खिताब जीते कहां पर आयोजित किया गया ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा ग्लास्को तो देखिए वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप ये ग्लास्को स्कॉटलैंड में हुई है और यहाँ पर जो इंडिया की दीपिका पालिकल हैं इन्होंने टीम अप किया है सौरभ घोषाल के साथ मिक्स आ, मिक्स उसमें मिक्स टाइटल में और जोशना चिरप्पा के साथ किया है वीमेंस डबल टाइटल में ठीक है दीपिका बालिकल आप जानते होंगे जो भारतीय क्रिकेटर हैं दिनेश कार्तिक उनकी वाइफ हैं ये और काफ़ी टॉप की प्लेयर हैं स्क्वैश की तो देखिए यहाँ पर जो मिक्स डबल्स टाइटल जीता है ये दीपिका बालिकल ने सौरभ घोषाल के साथ मिलकर जीता है और इसी के साथ इंडिया का फर्स्ट एवर डबल वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप इन्होंने जीती है पहली बार जीती है ये वर्ल्ड डबल्स स्क्वेश चैंपियनशिप तो इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन मार्क करके चलिएगा और दूसरा है आपका विमेन्स डबल टाइटल भी उन्होंने जीता है तो पल्लीकल ने जोशना चिन्हप्पा के साथ मिलकर ये डबल्स वीमेन्स डबल्स टाइटल जीता है वर्ल्ड चगास डिजीज डे इस ऑब्जर्व ऑन विच डे विश्व किस दिन मनाया जाता है सही आंसर ऑप्शन डी है अप्रैल 14। तो 14 अप्रैल को ये मनाया जाता है चगास डिजीज डे चागास डिज़ीज़ जो है इसको साइलेंट या फिर साइलेंस्ड डिज़ीज़ के नाम से जाना जाता है क्योंकि जो गरीब लोग हैं जिनके पास जो जो हेल्थ एक्सेस है जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एक्सेस है वो नहीं है जहाँ तक इलाज वगैरह और जो उनका रहन सहन काफ़ी नीचे स्तर का है ठीक है और तो उनको जो है इस तरह की डिज़ीज़ हो जाती है चकास डिजीज डे ये सबसे पहले 2020 में ही मनाया गया था तो लेटेस्ट है है ना इसका एजन लेटेस्ट जो है किया गया है तो ये आप ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है बाकी आपको जानना चाहिए जो चकास डिजीज़ है इसको अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियासिस के नाम से भी जाना जाता है और ये किसी कारण होता है ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस है और ये होता है प्रोटोजोन पेरासाइड ट्राइपेनोसोमा क्रूजी के कारण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है साइंड कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंट्रीज आर्मी फॉर फेज टू ट्रेनिंग ऑन चेतक हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने चेतक हेलीकॉप्टर पर दूसरे चरण के प्रशिक्षण के लिए किस देश की सेना के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन सी है नाइजीरिया तो देखिए यहाँ पर फेज टू शुरू किया गया है जो चेतक हेलीकॉप्टर है उसके ट्रेनिंग दी जा रही है भारत द्वारा नाइजीरियन आर्मी को तो यहाँ पर इसीलिए एक जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है हिंदुस्तान एरो लिमिटेड एच और नाइजीरियन आर्मी के बीच में नाइजीरिया के बारे में आप जानते हैं कैपिटल अबुजा है और करेंसी है नाइजीरियन नायरा ये जो नाइज ये जो नाइजीरिया की कैपिटल है ना ये कई बार पूछी जाती है याद रखिएगा आबूजा हिम प्रहरी स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट हिम प्रहरी योजना किस राज्य से संबंधित है ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा उत्तराखंड तो देखिए जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी ये हाल ही में हिम प्रहरी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह उनसे मिले हैं इसलिए जो स्कीम है ये चर्चा में रही तो हिम प्रहरी स्कीम ये एक्स सर्विसमैन और जो युवा हैं उनसे संबंधित है और इसका फोकस जो रहेगा ये जो बॉर्डर जो स्टेट है स्टेट से जो माइग्रेशन हो रहा है उसको रोकने पर इस स्कीम का फोकस रहने वाला है तो इस स्कीम के तहत स्टेट गवर्नमेंट जो प्राय जो प्रायोरिटी देगी वो इस चीज को देगी कि जो एक्स सर्विस मैन है वो स्टेट के जो बॉर्डर एरिया है उनको वहां पर सेटल किया जाए हु डी जी सी लेडीज ओपन एमरचियोर गोल्फ चैंपियनशिप डीजीसी लेडीज ओपन एम एच्योर गोल्ड चैंपियनशिप किसने है? है, तो Amateur, जीती है ऑप्शंस आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा रिया जयडोन तो डीजीसी लेडीज ओपन एम एचर गोल्फ चैंपियनशिप जीती है थर्टीन ईयर ओल्ड रिया जैडोन ने कॉन्स्टिट्यूशन शिड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल ट्वेंटी प्रोवाइड्स द इनक्लूजन ऑफ डार्लोंग कम्युनिटी एज अ सब ट्राइब ऑफ द कुकी ट्राइब इन द लिस्ट ऑफ एस इन विच स्टेट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है देखिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 किस राज्य में एस की सूची में कुकी जनजाति की उप जनजाति के रूप में डार्डोंग समुदाय को शामिल करने का प्रावधान करता है ऑप्शंस आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा त्रिपुरा तो देखिए जो हाल ही में पार्लियामेंट का जो सेशन चला तो उसमें यह बिल भी पास किया गया इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2022 तो देखिए इसमें क्या कहा गया है इस बिल ने इस बिल ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर नाइनटीन इसको अमेंड किया यानी कि इसमें संशोधन किया है अमेंड का मतलब क्या होता है किसी नए किसी नई चीज़ को इंसर्ट करना या फिर किसी कोई जो उसमें जो कोई प्रोविजन है उसको हटा देना या फिर नया प्रोविजन ऐड करना उसको बोलते हैं संशोधन तो इसमें क्या किया गया है इसमें संशोधन किया गया है जो ये कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल टाइप ऑर्डर 1950 है तो त्रिपुरा की शेड्यूल ट्राइब से संबंधित यहाँ पर संशोधन किया गया है इसमें क्या किया है देखिए जो कुकी ट्राइब है ना इसकी सब ट्राइब के रूप में दार्लोंग कम्युनिटी को इंक्लूड किया गया है और इसी के तहत अब जो डार्लोंग कम्युनिटी है ये त्रिपुरा में एस की कैटेगरी में आती है एस की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है इसको बाकी आपको ये भी जानना चाहिए कि पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर्स अमेंडमेंट बिल 2022 इसको भी पास किया है इसने जो है अमेंड किया है किसको द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950 द एस सी ऑर्डर को और द कॉन्स्टिट्यूशन शिड्यूल ट्राइब ऑर्डर नाइनटीन फिफ्टी ऑर्डर को इन दोनों को ही इसने संशोधित किया है आपको जानना चाहिए ये जो बिल है ये जो झारखंड में एस में जो कम्युनिटीज आती हैं उनको उनसे संबंधित है तो देखिए जो ये कम्युनिटी हैं देशवारी और गांजू और दौतलबंदी और पटबंदी ठीक है ये सभी जो कम्युनिटीज हैं तो इनको झारखंड में एस कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है और जो पहले एक जो एस में एक कम्युनिटी आती थी बोक्ता कम्युनिटी इसको यहाँ से ओमिट कर दिया गया है बाहर कर दिया गया है एस की लिस्ट से झारखंड में

हाउ मेनी ईयर्स हैज इट बीन ऑन अप्रैल थर्टी ट्वेंटी ट्वेंटी जलियावाला बाग मैसेस इंडिया स्टेट डेफिसिट रोज एवन पॉइंट फाइव परसेंट टू वन नाइनटी टू पॉइंट फोर वन बिलियन यू एस डॉलर इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू एज अगेंस्ट वन हंड्रेड टू पॉइंटर इन द प्रीवियस ईयर और आपने से कई ने बिल्कुल सही आंसर दिया है इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फॉर बिम्टे एक न्यूज हमने ये देखी दूसरी न्यूज है गवर्नमेंट मूड्सेंसर फॉर तो दोनों ही हेडलाइन में आपको क्या कॉमन दिख रहा है ये दिख रहा है आपको एम डबल ओ टी मूट मूड का मतलब क्या होता है ये जानेंगे हम इसका मतलब होता है टू सजेस्ट समथिंग फॉर डिस्कशन देखिए आप कोई सजेशन आपके दिमाग में आ रहा है किसी चीज पर आप किसी प्रस्ताव पर आप विचार कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं मूट पीएम मोदी मूट्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फॉर बीमस्टैक यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सजेस्ट किया है कि जो बिमस्टेक है यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना चाहिए ऐसा सजेस्ट किया है या फिर ऐसा सोचा है गवर्नमेंट मूड्स इजियर क्लियरेंस फॉर फॉरेस्ट लैंड यूज जो फॉरेस्ट लैंड यूज है उसके लिए आसानी से क्लियरेंस मिल पाए इस बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो विचार कर रही है उसके बारे में कुछ सजेशंस गवर्नमेंट इंडिया ऑफ इंडिया के पास है देखिए द आइडिया वॉज फर्स्ट मोटेड एज लॉन्ग एगो एज द एटीन फोर्टीज तो जो कोई किसी आइडिया की बात हो रही है कि यह आइडिया जो है ना सबसे पहले एट्टीन में सोच लिया गया था ठीक तो है हिज नेम मोटेड एज अ पॉसिबल सक्सेसर तो देखिए कोई मान लीजिए कोई कंट्री है उसमें किसी प्रेजिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने जो है इस्तीफा दे दिया है तो उसके बाद यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि जो उसका सक्सेसर है जो उसको रिप्लेस करेगा ठीक है तो उसके लिए जो वो कोई व्यक्ति है उसका नाम मोटेट किया गया था यानी कि विचार किया गया था सजेस्ट किया गया था तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टेडियम 974 सेवन फोर इज़ अ फुटबॉल स्टेडियम लोकेटेड इन विच कंट्री इसका हिंट दे देता हूँ जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है ठीक है तो उसमें जो मैचेस हैं वो इस स्टेडियम में भी खेले जाएंगे और ये टेम्परे स्टेडियम बनाया गया है जब ये वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा उसके बाद इसको जो है डिमोलिश कर, कर दिया जाएगा या फिर डी कर दिया जाएगा हु बिकेम द फर्स्ट बैटर इन आई पी हिस्ट्री टू बी रिटायर्ड आउट अप्रैल फोर्टीन इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन सोशल रिफॉर्मर बारबरा फॉरेस्ट जो कि एशिया का लार्जेस्ट टीक एंड साल फॉरेस्ट है यह किस स्टेट में है इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहते हैं इसका आंसर जरूर कीजिएगा वेयर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस एन आई एम एच ए एन एस लोकेटेड तो फ्रेंड ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करें पांच क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करें यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर से बताया करें साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट व्यजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लिस दी गई है इसको आप ज़रूर देखें अपने दोस्तों के साथ फेलो एस्ट्रेन के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें आज का सेशन आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा थैंक यू गाइस